क्या तुम्हें पता है मैं ये टेबल्स क्यों याद रख रही हूँ? ऐसे ही मेमोरी को तेज किया जाता है। अगर आप ठीक से अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं करेंगे तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अलीबाबा। एक वक्त की बात है, मिडिल ईस्ट में दो भाई रहा करते थे, कासिम और अलीबाबा। और भले ही ये सुनने में अजीब लगे, बड़े भाई को विरासत में सब कुछ मिला, एक मिल, एक डोंकी और कैट भी। और छोटे भाई को विरासत में कुछ भी नहीं मिला। अलीबाबा ने अपना सिर खुजाया और खुद से कहा, मेरा बड़ा भाई अमीर है, पर वो मुझे कभी हलवे का एक निवाला या शरबत का एक घूंट भी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। अलीबाबा बस सोचता ही रहा और आखिरकार एक दिन उसे एक कमाल का आइडिया आया। मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा, उन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और उन पैसों से अपने लिए एक तंदूरी नान खरीदूंगा। तो अलीबाबा जंगल में गया और वहाँ चलते हुए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। अचानक उसे कुछ सीटियों और अजीब चलने की आवाजें सुनाई दी। अलीबाबा डर गया और बोला, मैंने जंगल के भूतों को गुस्सा दिलाया होगा, पर वो कोई गुस्से वाले भूत नहीं, बस कुछ मामूली चोर थे। वो 15 लोग थे और उन्होंने एक खजाने का बक्सा उठाया हुआ था। और उन डरावने पायरेट्स के कैप्टन ने, नहीं मेरा मतलब उन डरावने चोरों के सरदार ने कहा, खुल जा सिम सिम। सब कुछ हिलने लगा जैसे कि कोई भूकंप आया हो। और फिर पहाड़ी में बनी गुफा का खुफिया दरवाजा खुल गया। वो चोर बड़ी तेजी से खजाने के बक्से को गुफा में ले गए ताकि कोई उन्हें देख ना ले। ऐसा बस उन चोरों को लगा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। पर अलीबाबा को यूं ही सबसे अच्छा स्टूडेंट नहीं कहते थे, उसने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया था। तो जैसे ही चोर गुफा से निकल गए, अलीबाबा झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने कहा, खुल जा सिम सिम। और इस तरह वो जा पहुंचा उस जादुई गुफा के अंदर। वहां अंदर तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें थी। सबसे पहले कमरे में उसे मिले चांदी, सोना और ढेर सारे हीरे मोती। दूसरे कमरे में उसे मिले तरह तरह के खिलौने, टी सेट्स वाली डॉल्स, बाइक पर बैठे हुए भालू, एक बड़ा हाथी और प्यारी प्यारी किटीज भी। अलीबाबा कुछ देर तक ट्रेन सेट से खेला और फिर वो तीसरे कमरे में चला गया। और वो कमरा भरा पड़ा था सुंदर कपड़ों से। वहाँ थे बॉल गाउन्स, तरह तरह की स्कर्ट्स, चमकीले हीरो वाली शर्ट्स और सुंदर पिंक जूते। उन पर बने थे बड़े ही प्यारे फूल और की गई थी सुंदर कढ़ाई। अलीबाबा ने वो जूते पहनने का फैसला किया। अचानक उन जूतों ने उसे ऊपर हवा में उठा दिया और अलीबाबा उड़ने लगा। अलीबाबा ने दरवाजे से कहा, खुल जा सिम सिम। वो उड़ते हुए गुफा से बाहर आया और अपनी लकड़ियाँ उठाई। इन जूतों के साथ तो मैं पलक झपकते ही लकड़ियों को बाजार तक पहुँचा दूंगा। अलीबाबा ने बाजार में वो लकड़ियाँ बेच दी और अपने लिए एक तंदूरी नान खरीद लिया। तभी अचानक ही उसका भाई कासिम वहाँ आ पहुँचा। तुमने ये तंदूरी नान कैसे खरीदा, जरा मुझे बताओ तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अलीबाबा को मजबूरन अपने भाई कासिम को जंगल और वहाँ उन चोरों के खुफिया खजाने वाली गुफा के बारे में बताना पड़ा। और उसने अपने भाई के लिए एक कागज पर वो जादुई मंत्र लिख दिया ताकि वो उसे भूल ना जाए। कासिम फौरन ही खुफिया दरवाजे के पास गया और कागज को पढ़कर बोला, खुल जा सिम सिम। और वो खजाना लेने के लिए अंदर चला गया। पर अपनी जल्दबाजी में उसने वो कागज कहीं गिरा दिया। उसने अपने थैले में इतना खजाना भर दिया था कि वो मुश्किल से उसे दरवाजे तक ला पाया था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बिपटी बॉपटी बू, चल दरवाजे अब खुल जा तू। फिर कासिम ने दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर कासिम उस पर अपना सिर पटकने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था चोरों का सरदार। तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो बदमाश? मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने वाला जादुई मंत्र भूल गया, कासिम ने सरदार से कहा। तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर क्यों है? चोरों के सरदार ने पूछा। तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। मैं तुम्हें याद करने के लिए कहानियों की किताब दे रहा हूँ ताकि सोते वक्त तुम मुझे एक कहानी सुना सको। जैसे ही तुम मुझे सारी कहानियाँ सुना दोगे मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, पर तब तक लालची आदमी तुम यहाँ मेरे कैदी बनकर रहोगे।
तो अपनी ना समझे की वजह से कासिम को उसी गुफा में रहना पड़ा। मुझे ठीक से नहीं पता कितने दिनों तक, पर कहते हैं वो वहाँ था 1000 दिन और 1001 रातों तक। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी मेमोरी को ट्रेन करो और मुसीबत से बच कर रहो। तुम सोच रहे हो मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना क्यों शुरू किया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भी वही हाल हो जैसे इस कहानी के कैलिफ का हुआ। बस ध्यान से सुनो। कैलिफ स्टोर। एक वक्त की बात है, एक कैलिफ हुआ करते थे जिनका बगदाद पर राज था। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। वो बस सारा वक्त खिड़की के पास बैठकर नन्हे पंछियों का चहकना सुनकर सोचा करते। मैं कैलिफ हूँ, मैं अपने इस देश का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, और फिर भी मैं समझ नहीं पाता ये नन्हे पंछी चहककर क्या कह रहे हैं। कैलिफ इस बात से इतने दुखी हुए कि वो फूट फूट कर रोने लगे एक छोटे बच्चे की तरह। तरह तरह के डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कैलिफ की मदद करने की कोशिश की, पर कोई भी उनका रोना बंद नहीं कर पाया। और फिर एक दिन एक अजीब सा नन्हा आदमी महल में आ पहुंचा। वो बहुत ही छोटा था, पर उसकी नाक थी बड़ी ही लंबी, उसके कान डोंकी जैसे थे और उसकी पगड़ी से बाहर आ रहे थे, और उसके कंधे पर बैठा हुआ था एक पैरट। ओह कैलिफ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, उस नन्हे आदमी ने कहा। मुझे पता है आपको फिर से खुश करने के लिए क्या करना होगा। ये फल खाइए, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए मैराथन। ओह नो, आप चिल्लाइए माटाडोर। नहीं, माटाडोर नहीं, वो फॉरेन शब्द क्या था जो उन्हें कहना था? ओह याद आ गया, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए मुत्तबोर। फिर आप जो चाहे उस जानवर, पंछी या मछली में आसानी से बदल पाएंगे, और बदलने के बाद आप समझ पाएंगे कि वो जानवर क्या बोल रहे हैं। पर याद रहे, अगर आप हंसे तो आप मुत्तबोर शब्द भूल जाएंगे और फिर कभी वापस इंसान के रूप में नहीं बदल पाएंगे। कैलिफ ने तुरंत ही वो फल खा लिया। उन्होंने गुलाटी मारी और फिर कहा, मुत्तबोर, मैं बनना चाहता हूँ एक स्टॉक। और बूम, कैलिफ ने खुद को आईने में देखा। उनकी नाक की जगह पर थी एक चोंच, उनकी गर्दन हो गई थी लंबी और सिर हो गया था छोटा, उनके पैर लकड़ियों जैसे थे और उनकी एक छोटी सी पूंछ भी थी। वो पूरी तरह बदल चुके थे, और ना चाहते हुए भी कैलिफ को जोरों की हंसी आ गई, और जाहिर था वो उस अजीब से फॉरेन शब्द को भूल गए थे। पल भर में कैलिफ स्टॉक ने अपनी चोंच हिलाई, कुछ गुलाटियां मारी, पर वो फिर से एक इंसान में बदल नहीं पाए। फिर वो नन्हा आदमी उनके सिंहासन पर जा बैठा और कैलिफ से बोला, तुम्हारा राज अब खत्म हुआ मेरे नन्हे पंछी, अब मैं बगदाद का राजा हूँ, मुझे वो कैलिफ वाली पगड़ी दो अभी। तब जाकर कैलिफ स्टॉक को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था, और वो फिर से रोने लगे, वो भी पहले से ज्यादा जोर से। ठीक है, रोना बंद करो, उस नन्हे आदमी ने कैलिफ से कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ, अगर इस वक्त में तुमने मेरा नाम का पता लगा लिया तो तुम फिर से एक इंसान बन जाओगे। कैलिफ बड़ी मुश्किल में थे, मैं भला उसके नाम का पता कैसे लगा पाऊंगा। उसी वक्त वो पैरट आकर कैलिफ के पास बैठी और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें उस नन्हे आदमी का नाम बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओह नो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्टॉक की शादी पैरट से नहीं हो सकती, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और फिर उस पैरट ने कैलिफ से कहा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, पर खबरदार जो तुम फिर से हंसे तो। वो बड़ी नाक वाला नन्हा आदमी असल में एक शैतान जादूगर है, वो अनपढ़ लोगों को जंगली जानवरों में बदल देता है, और ये है उसका नाम, रम्पलस्नाउटस्किन। जैसे ही कैलिफ स्टॉक ने ये सुना, वो तुरंत ही उस शैतान जादूगर के पास गए, और वो शैतान जादूगर पैर पसार कर उनके सिंहासन पर बैठा हुआ था, और फिर कैलिफ ने चिल्लाकर कहा, हे सुनो रम्पलस्नाउटस्किन, मेरे सिंहासन से नीचे उतरो। शैतान जादूगर ये सुनकर चौंक गया, तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला, और उसे इतना गुस्सा आया कि वो वहीं पर फट गया। शैतान जादूगर के फटने के साथ ही उसके किए हुए जादू का असर भी चला गया, और कैलिफ स्टॉक फिर से एक इंसान में बदल गए। उन्होंने पैरट की ओर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
एक बार पहले जहाँ पैरेट खड़ी थी उनके सामने खड़ी थी खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन। कैलिफ बहुत खुश हुए, उन्होंने उससे शादी की और शादी के तुरंत बाद वो स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे ताकि वो फिर से कभी एक जानवर में ना बदल पाए। मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो तो आप कई मुसीबतों में फंसने से बच सकते हैं। तुमने इतनी सारी जगह क्यों ले ली? अब इस छोटू के पास बैठने की जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम बड़े हो तो इस पर रॉब जमा सकते हो? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ एक जायंट और एक छोटे से बच्चे की। टॉम थंब। एक वक्त की बात है, एक फैमिली थी जिसमें तीन बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हट्टा कट्टा और लंबा था, मझला बेटा एक पीपे जितना मोटा था और सबसे छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही छोटा। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई पर बहुत रौब जमाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे टॉम थंब, उसे छेड़ते थे। वो गाते थे ट्रा ला ला ट्रा ली ली, तुमसे तो बड़ी होती है चींटी। एक दिन दोनों बड़े भाई लकड़ी जमा करने के लिए जंगल चले गए पर अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले गए। पर टॉम थंब बड़ा ही होशियार था, वो अपने भाइयों के पीछे गया रास्ते में छोटे छोटे पत्थर गिराते हुए ताकि वो खो ना जाए। बड़े भाइयों ने लकड़ियां जमा कर ली थी पर वो खो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। वो छोटी बच्चियों की तरह रोने लगे। तभी टॉम थंब वहाँ पहुँचा और उसने उनसे कहा, बच्चों जैसे रोना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने भाइयों को जंगल से बाहर निकाल लाया। लकड़ियां खत्म होने के बाद वो फिर से जंगल में गए। टॉम थंब ठीक उनके पीछे ही था और वो अपने साथ एक बड़ी ब्रेड लाया था। वो रास्ते में अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ता गया और पंछी वो सारे टुकड़े खा गए। बेचारा टॉम थंब अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। वो अपने भाइयों के पास गया जो मैदान में पिकनिक मना रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों बड़े भाइयों को इतना डर लगा कि वो पेड़ों पर चढ़ गए, पर टॉम थंब बस हंसने लगा। तुम दोनों कितने डरपोक हो, वो तो बस सिर्फ एक मामूली कैट है। वो कैट झाड़ियों से बाहर निकला और एक इंसान की तरह बोला, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट हूँ, मैं हूँ पुस इन बूट्स। वो कैट बड़ा ही अजीब लग रहा था, उसने तो पंख वाली एक टोपी भी पहनी थी। दोनों बड़े भाई खुश हो गए और पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने कैट से उन्हें घर का रास्ता दिखाने को कहा। पर पुस ने कहा उसके पास वक्त नहीं है क्योंकि उसे एक जरूरी बिजनेस डील करनी थी राक्षस के साथ। उससे पहले उस डील से निपटना होगा, फिर वो आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा। दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुस इन बूट्स को उन पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ महल में चलो और रात वहीं पर बिताओ। और वो सभी निकल पड़े उस राक्षस से मिलने के लिए। दरवाजा खुला था इसीलिए वो सीधे अंदर चले गए एक बड़े से हॉल में, जहां उन्होंने टेबल के पास बैठा हुआ देखा एक डरावना राक्षस। राक्षस ने तीनों भाइयों और कैट को देखते ही जोर से कहा, अरे वाह, ये तो एक मजेदार दावत खुद ही चलते हुए मेरे पास आ गई। और उसके मुंह में पानी आ गया। टॉम थंब एक बहुत ही होशियार लड़का था, वो आते ही समझ गया था कि वो एक आदमखोर के महल में आ गए हैं, भयानक वाले। कैट ने चुपके से टॉम को आंख मारी और फिर उसने राक्षस से कहा, मिस्टर बड़े राक्षस, तुम तो जरा भी अच्छे होस्ट नहीं हो। मैंने सुना है कि राक्षस अपने मेहमानों को डराने के लिए आकार बदलते हैं, पर लगता है आपको वो करना आता ही नहीं है। राक्षस ये सुनकर हंसने लगा और फिर बूम, उसने खुद को एक बड़े लायन में बदल दिया। दोनों बड़े भाई डर गए और भागकर टेबल के नीचे छिप गए, पर पुस इन बूट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उसने राक्षस लायन से कहा, ये तो मुश्किल नहीं है, कोई भी लायन में बदल सकता है। क्या आप खुद को बना सकते हैं छोटा भूरा और चूचू करने वाला? राक्षस लायन सोचने लगा और फिर बैम, एक छोटा भूरा चूहा चूचू करते हुए टेबल पर भागा। उस चूहे पर इतनी तेजी से झपटा कि उसके बूट्स निकल गए, उसकी टोपी गिर गई और टेबल की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। पर वो आदमखोर चूहा बच गया एक जग में छिपकर। टॉम थंब जानता था क्या करना सही होगा और उसने जग को एक कॉक से बंद कर दिया। इस तरह वो आदमखोर जग में फंस गया। सब खुश हो गए। उसने अपने बूट्स और टोपी फिर से पहन ली और इंचार्ज बन गया। उसने दोनों बड़े भाइयों को सोने भेज दिया। वो सारी रात टेबल के नीचे थोड़ी ना बता सकते थे। उस टॉम थंब को बालकनी पर ले गया और उसने उसे घर जाने का रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे भी सोने के लिए कहा। सुबह होते ही तीनों भाई घर के लिए निकल पड़े और रास्ता दिखा रहा था टॉम थंब।
उसके बाद से उन दोनों ने कभी भी टॉम थंब पर रौब नहीं जमाया। तो अब तुम भूलना नहीं, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम छोटों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। कोई भी टॉम थंब अपनी होशियारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबसे गंदे और सबसे डरावने राक्षस को भी हरा सकता है। मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये सैंड पाइस कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है इन्हें किसने बनाया है? तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक वक्त की बात है, एक छोटी बच्ची थी लिटिल लीना, जिसका एक भाई था लिटिल आइवन। मैजिक स्वान गीस। उनके पेरेंट्स कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, वो जंगल में चले गए और वहाँ खो गए। वो जंगल घना और डरावना था, और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा ओवन। वो पाइस से भरा हुआ था और वो बाहर गिर रहे थे। लिटिल लीना और लिटिल आइवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उस ओवन ने डरावनी आवाज में उन दोनों से कहा, यहाँ आओ नन्हे बच्चों और मेरे मजेदार पाइस खाकर देखो। लिटिल आइवन बहुत ही खुश हुआ, पर उसकी बहन लिटिल लीना ने उसे कहा, वो पाइस मत खाना, न जाने उसमें क्या क्या डाला होगा। लिटिल आइवन ने उसकी बात नहीं मानी, वो दौड़ कर गया और वो सारे पाइस खा गया। और फिर वो चिल्लाने लगा, जल्दी पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। लिटिल लीना ने कहा, मैंने कहा था ना उन्हें मत खाना। और तो और उसके भाई को हिचकियाँ भी आने लगी। फिर बूम, अचानक ही उनके सामने दूध की नदी बहने लगी, जिसके किनारे बने थे फर्श से। तो लिटिल लीना ने आइवन से कहा, ठीक है अब रोना बंद करो, सब्र रखो, मैं जाकर थोड़ा फज वाला दूध ले आती हूँ। पर लिटिल आइवन बड़ा ही शरारती बच्चा था, वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाने लगा, मुझे सब्र नहीं रखना है, मुझे प्यास लगी है, मैं इस गोट के पैर से बने निशान में भरा हुआ पानी पीऊंगा। वो बड़ा ही बुद्धू लड़का था, पर उसका पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कभी नहीं, उनमें खतरनाक जर्म्स होते हैं। पर उसने वो पानी पी ही लिया। वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, वो गंदा पानी पीने को तैयार था। और लिटिल लीना उसे नहीं रोक पाई, क्योंकि वो फज में फंस गई थी, इसलिए उसने वहीं से कहा, उसमें से पानी मत पीना, तुम्हें गोट बन जाओगे। पर फिर से उसके भाई ने नहीं सुना और वो उस गड्ढे से पानी पीता रहा। उस पानी में किस तरह के जर्म्स तैर रहे थे वो तो मैं नहीं बता सकती, पर अचानक लिटिल आइवन पर बाल निकल आए। फिर उसके पास उगे हुए एप्पल ट्री ने उससे प्यार से पूछा, ओह लिटिल आइवन, क्या तुम मेरे गोल्डन एप्पल्स खाना चाहोगे? लिटिल आइवन ने एक खा लिया। तभी उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ और पैर हूव्स बन गए और वो बन गया एक गोट, पलक झपकते ही। ठीक उसी वक्त जादुई स्वान गीस का एक झुंड ऊपर से गुजरा। उन्हें एप्पल ट्री के नीचे से किसी के जोर जोर से चबाने की आवाज आई। वो तो एप्पल्स खा रहा एक नन्हा गोट था, वो उन्हें पूरी तरह चट कर रहा था बिना कुछ छोड़े, उसके बीच भी नहीं। जादुई स्वान गीस को इतना ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस नन्हे गोट को ओल्ड विच के पास ले जाने का फैसला किया। वो नीचे आए, उसे उठाया और सीधे ओल्ड विच के घर के पास पहुँचे, जो चिकन के पैरों पर खड़ा था। जब ओल्ड विच ने उसे देखा तो उन्हें वो नन्हा गोट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना मोटा था कि ओल्ड विच ने नन्हे गोट को खा जाने का फैसला किया। ओल्ड विच ने अपने ओवन में आग जलाई और फिर गाना शुरू कर दिया, खुल गई है आज तो मेरी किस्मत, गोट खा कर रहूंगी चाहे आए कयामत। डरे हुए नन्हे गोट ने ऐसी चीख मारी कि वो जंगल में सभी को सुनाई दी, आग जल रही है फुक फुक फुक, पानी उबल रहा है सुक सुक सुक, धार लग गई है छुरी को, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद को। फिर वो भागते हुए उस जगह गया जहां उसने आखिरी बार अपनी बहन को फज से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। ओल्ड विच ने देखा कि नन्हा गोट भाग गया है और उसने अपने जादुई स्वान गीस को उसे वापस लाने उसके पीछे भेजा। लिटिल लीना फज से बाहर निकल ही रही थी, उसने अपने भाई को उठाया पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। अवन को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि उसने लिटिल आइवन को वो सारे पाइस खिलाए थे और उसने बेचारे बच्चों को अपने अंदर छुपा लिया। जादुई स्वान गीस वहाँ से गुजरे और उन्हें नहीं देख पाए। काफी वक्त तक लिटिल लीना जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई।
खुशकिस्मती से गोट्स की सूंघने की ताकत अच्छी होती है और लिटिल गोट आइवन रास्ता सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स बाजार से वापस आ चुके थे। फिर लिटिल आइवन को तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उसे तरह तरह के इंजेक्शन दिए गए और आखिरकार वो फिर से एक इंसानी बच्चा बन गया। तो याद रहे, किसी भी अजीब जगह से कोई भी अजीब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। उबले और बोतल में भरे हुए पानी के अलावा कोई पानी मत पीना। हो सकता है तुम एक गोट में बदल जाओ और डॉक्टर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये करवाने की सोचना भी नहीं। मैं ये म्यूजिक स्केल्स नहीं बजाऊंगी। नहीं, मुझ में ऐसा करने की आलस नहीं है। वो बस बात ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, Three little pigs. किसी दूर देश के जादुई जंगल के पास रहने आ गए तीन भाई, और वो तीन भाई थे पिगलेट्स। उनके नाम थे बूबू, बूहू और ऊपसी डेजी। तीनों भाइयों को मजे करना अच्छा लगता था, बाकी पिगीज की तरह ही। वो कीचड़ वाले गड्ढे में पड़े रहते या जंगल के जानवरों के पीछे भागते रहते, और वो सारे एकॉर्न्स खा जाते और किसी के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा दिन जंगल में बस उन्हीं की आवाजें आती रहती, भागने की और मस्ती करने की। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इन भाइयों को म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था। उन्हें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, एक गिटार, एक ड्रम और एक बड़ा चमकीला इंस्ट्रूमेंट। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर मैंने मार्चिंग बैंड में हमेशा उसे देखा है। ठीक है, तो जैसे ही चांद बाहर आता, वो तीन भाई भी बाहर आ जाते और नदी के किनारे आग के पास बैठकर अपना कॉन्सर्ट शुरू कर देते। वो जोर जोर से अपने गाने बजाते और किसी को भी चैन से सोने नहीं देते। पिग्स है महान और सबसे अच्छे, ट्रालाला ट्रालाला, पिग्स का नहीं है कोई जवाब, ट्रालाला लाला। सारे जानवरों ने पुलिस को बुलाया, उनके खिलाफ कंप्लेंट की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पिग्स को शोर मचाने से रोक नहीं पाए। फिर गर्मियाँ खत्म हुई और जादुई जंगल में पतझड़ का मौसम आया, पर वो पिग्स ठंड से नहीं डरते थे। गर्मियों में वो खा पी कर इतने मोटे हो गए थे कि वो मुश्किल से अपने घरों में घुस पाते थे। वो धीरे धीरे कैसे भी करके अंदर चले जाते। जंगल के सभी जानवर बहुत ही दुखी थे। सर्दियाँ आने वाली थी और उन सबको अपने घरों में सोना था, पर वो उन पिग्स के मचाए शोर के बीच भला चैन से कैसे सो पाते। सारे जानवर अब उनसे तंग आ चुके थे, पर उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। उसके बाद सभी जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और वो पिग भाइयों को वहाँ से निकालने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। वो बहस करते, चीखते चिल्लाते और आखिरकार उन सभी ने उन भाइयों को डरा कर भगाने का फैसला किया। उन्होंने शीप को एक वुल्फ की तरह तैयार किया और उसे पिग्स को डराने के लिए भेज दिया। तो वो शीप उन भाइयों के घरों के बाहर गई और उसने कहा, बा। पिग भाइयों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और शीप ने एक बार फिर उनसे कहा, बा। तीनों भाई इतना जोर से हंसने लगे कि तीनों में से दो के घर गिर गए। पहले तो जानवर बहुत खुश हुए, उन्होंने कम से कम दो भाइयों से तो छुटकारा पा लिया था, पर वो गलत सोच रहे थे। बूबू और वूहू अपने टूटे हुए घरों के मलबे से बाहर निकले और अपने भाई ऊपसी डेजी के घर में शिफ्ट हो गए। तो वो तीन भाई एक मजबूत पत्थर के बने घर में आराम से रहने लगे। वो खिड़की के पास बैठकर पहले से भी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाने लगे। चाहे कर लो जो भी तुम, ट्रालाला ट्रालाला, हम पिग्स नहीं होंगे यहाँ से गुम, ट्रालाला लाला। फिर से सारे जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। एक दिन सुबह सुबह सारी रात म्यूजिक बजाने के बाद जब तीनों भाई गहरी नींद में सो गए, तब सारे जानवर उनके घर के पास आए। शीप ने उनकी खिड़की से अंदर झांका, फिर डॉग उसकी पीठ पर चढ़ गया, फिर कैट ने डॉग पर छलांग लगाई और रूस्टर जाकर कैट के सिर पर बैठ गया, और फिर सभी जानवर एक साथ जोरों से चिल्लाने लगे। डॉग ने कहा, म्याऊ। कैट
ने कहा कॉक-अ-डूडल-डू, रूस्टर ने कहा वुफ वुफ, और शीप ने कहा बा। बुरे पिगीज, तुम अपना गंदा बैंड लेकर यहाँ से चले जाओ। वो तीनों भाई इतना डर गए कि वो भागते हुए बाहर निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसके बाद जंगल में कभी ऐसे बदमाश नहीं आए, हर तरफ शांति और खुशी थी। मैं वही बताना चाहती थी, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं। और अगर आपको गाना, नाचना और म्यूजिक बजाना हो तो उसके लिए खास जगह होती है जिन्हें कहते हैं म्यूजिक हॉल्स। अरे नहीं मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं सब्जियों के बगीचे को कीड़ों से बचा रही हूँ। ठीक है जाने दो, मैं नहीं चाहती तुम बोर हो जाओ, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। जैक एंड द बीनस्टॉक। एक गांव में एक गरीब आंटी रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था जैक। वो आंटी और उनका बेटा पूरा दिन अपने सब्जियों के बगीचे में काम करते रहते। जो भी उस बगीचे में उगता था वो दोनों बस वही खा लेते। फिर वक्त आया जैक की शादी करने का। गांव में इतनी लड़कियां थी जितनी बगीचे में गाजर होती है, पर उनमें से किसी ने भी जैक को पसंद नहीं किया। उनके इनकार करने की भी वजह थी, भला कौन लड़की अपने लिए ऐसा दूल्हा चाहती। उसकी पैंट पर जगह जगह चिथड़े लगे थे, उसके जूतों में बड़े बड़े छेद थे और उसकी टोपी एक पापड़ जितनी चपटी थी। कोई उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बेचारे के साथ घूमने भी नहीं जाती थी। आंटी को पता था कि उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत है, पर पैसे ही नहीं थे, तो वो इस बारे में सोचने लगी। वो काफी देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने कहा, जैक मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अच्छा दिखना होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमारे पास अपनी गाय बेचने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। उन पैसों से तुम अपने लिए एक नया सूट खरीद पाओगे। इसलिए जैक ने गाय के गले में रस्सी बांधी और वो बाजार की ओर चल पड़ा। पर रास्ता बहुत ही लंबा और थकाने वाला था। जब वो बाजार के आधे रास्ते पहुँचा तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। वो अभी बस सोया ही था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे जगा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने थे एक बूढ़े अंकल। जैक को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी बूढ़े अंकल ने उसे कहा, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी ये गाय खरीदनी है और तुम्हारी गाय के बदले में मैं तुम्हें दूंगा एक मटर का दाना। सच बात तो ये थी कि जैक अपनी गाय को बेचने के लिए मीलों चलकर बाजार तक जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए बिना वक्त गवाए जैक इस सौदे के लिए मान गया। तो सौदा पक्का हो गया। बूढ़े अंकल को मिल गई गाय, जैक को मिला मटर का दाना और खुद से खुश होते हुए वो घर की ओर चल दिया। जब आंटी ने अपने बेटे को बिना गाय और बिना सूट के देखा तो वो बहुत डर गई। उन्हें लगा कि उसे रास्ते में लुटेरे ने लूट लिया था, पर जैक ने उनसे कहा, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, जरा ध्यान से देखिए मुझे हमारी बूढ़ी गाय के बदले में क्या मिला, एक बिल्कुल ही नया मटर का दाना, और मैंने इतना हरा मटर पहली बार देखा है। आंटी ने उसकी ओर गुस्से से देखा और कहा, ओह तुम कितने ज्यादा नादान हो मेरे बच्चे। फिर उन्होंने वो मटर लिया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैक को बड़ा अजीब लगा था, वो इतनी नाराज क्यों हो गई? उसने उबासी ली और झट से सो गया। जब सुबह सवेरे जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रातों रात वो मटर का दाना एक बहुत ही बड़े मटर के पेड़ में बदल गया था। वो मटर का पेड़ इतना बड़ा और ऊंचा था कि उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर आसमान में बादलों के अंदर चला गया था। जैक को बादलों में एक गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ये जानना चाहता था कि भला इतनी ऊपर कौन है जो गाना गा रहा है, इसलिए उसने मटर के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो पहली बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा, क्या उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्या फायदा होगा? हे सुनो ऊपर वाले, जैक ने चिल्ला कर कहा, क्या तुम मुझे इस पेड़ पर चढ़ने का तरीका बता सकते हो? पता नहीं क्यों मैं बार बार गिर रहा हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया और फिर ऊपर से उसके लिए एक बड़ी ही अजीब दिखने वाली रस्सी डाली गई। जैक उसके करीब गया और उसने देखा कि वो रस्सी एक लड़की की चोटी जैसी थी।
जैक इतना खुश हुआ कि उसने चोटी को जोर से खींचा और एक खूबसूरत राजकुमारी ऊपर से नीचे ठीक उसके पास आ गिरी। जैक सही था, वो रस्सी उसकी चोटी ही थी। राजकुमारी ने अपना ताज ठीक किया, फिर बाव करके जैक से कहा, मुझे काफी सारी चोटें आई हैं, क्योंकि मुझे उन मटर के दानों पर सोना पड़ा था। थैंक यू मेरे भले दोस्त, मुझे इस पेड़ से नीचे उतारने के लिए। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या था, हो गई जैक की शादी। वो राजा बन गया और उसे आधा राज्य भी मिला। यही तो मैं कहना चाह रही थी, हो सकता है मैं भी अपने सब्जी के बगीचे में कुछ इंटरेस्टिंग उगा दूं जैक की तरह। पर मुझे देखना होगा कि मेरे प्यारे बगीचे में कोई कीड़ा ना घुस जाए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मुझे जाकर पहरा देना है। तुम दोनों मेरे एप्पल पाई को ऐसे क्यों देख रहे हो? पाई को देखने के बजाय बेहतर होगा तुम ये कहानी सुनो। एक वक्त की बात है, एक राजा थे जिनके पास था अपना राज्य और एक घोड़ा। उनके पास एक फार्म और तरह तरह के औजार भी थे। Go, I know not whither. पर ये राजा बड़े ही अजीब थे। वो लगातार नामुमकिन चीजें ही मांगते रहते, जैसे सर्दियों में फूल या फिर एक रॉकेट शिप। और एक दिन वो किचन में गए, टेबल के आगे जा बैठे और चिल्लाकर बोले, मुझे तीतर खाने हैं। इसलिए कुक जल्दी से शिकारी के पास गया जो खाना खा रहा था। खाना खत्म करने के बाद शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई और फिर वो निकल पड़ा कुछ तीतर का शिकार करने। पर क्या फायदा था, मौसम तो गलत था। वो शिकारी गलत मौसम में तीतर ढूंढते ढूंढते थक गया। तभी अचानक उसने देखा एक बर्ड हाउस। बर्ड हाउस के पास वाली डाली पर बैठी थी एक चिड़िया। तीतर ना सही, इस चिड़िया से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सोचते हुए शिकारी ने अपनी बंदूक तैयार की और वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो चिड़िया डाल पर से उड़कर उसकी बंदूक पर जा बैठी और इंसानी आवाज में बोली, गोली मत चलाओ, मुझे कुछ मत करो, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारी पक्की दोस्त और एक वफादार पत्नी बनूंगी। शिकारी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। फिर वो चिड़िया ऊपर उड़ी, फिर जमीन पर जा बैठी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। शिकारी बहुत दुखी हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं राजा जी को तीतर पंछी की जगह एक लड़की तो पेश नहीं कर सकता। और उस खूबसूरत लड़की ने उससे कहा, फिक्र मत करो डियर, मैं तुम्हारे राजा के लिए बना दूंगी एक शाही मुर्गी। शाही मुर्गी खाकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये तो मजेदार है, इसे किसने बनाया? और शिकारी ने कहा, ओह इसे मेरी पत्नी ने बनाया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। राजा ने उसे देखा और जलन के मारे लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक शिकारी की पत्नी ने राजा को खिलाने लायक खाना बनाया था। और फिर उसने खुद उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और शिकारी को खत्म करने का भी। इसलिए राजा ने शिकारी से कहा, अब सुनो मेरा फरमान, जहाँ जाना पड़े वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे लिए कुछ लेकर आओ, कुछ बड़ा या छोटा, पतला या मोटा, मुझे नहीं पता क्या, बस कुछ अनोखा। राजा के फरमान के मुताबिक शिकारी अब आजाद नहीं था। उसे जाना पड़ा एक पीपे के अंदर और उन्होंने उसके ढक्कन को कर दिया बंद। पीपे में उल्टा डालकर उसे भेज दिया गया गहरे समंदर में। शिकारी और वो पीपा काफी वक्त तक समंदर में यहाँ से वहाँ तैरते चले गए। और वो जब लहरों के थपेड़े खा रहा था, शातिर राजा उसके घर जा पहुँचा और उसकी पत्नी से मिला और शादी का प्रस्ताव रखा। पर शिकारी की पत्नी ने इनकार कर दिया और फिर वो एक चिड़िया बन गई और फ्यू उड़ गई। और शादी करने के लिए बन सवर कर आया हुआ राजा वही खड़ा रह गया। दूसरी तरफ शिकारी वाला पीपा किनारे से टकरा गया और शिकारी आजाद हो गया। वो समंदर के बीच एक वीरान टापू पर आ पहुंचा था, जिस पर रहते थे बहुत सारे बंदर। इस टापू पर शिकारी को ढेर सारे बगीचे मिले, जिसमें लगे थे ढेर सारे सुंदर फूल और पेड़ जो जादुई सेब से लदे हुए थे, और सब्जियों के बगीचे जिसमें लगी थी तरह तरह की सब्जियाँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजें देखी हैं, शिकारी ने कहा, पर मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह जमीन पर उगी हुई धारियों वाली बॉल्स, ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। जैसे ही शिकारी ने उनमें से एक बॉल उठाई, बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी और आसमान से आई किसी की डरावनी आवाज ने कहा, तुमने मेरा तरबूज क्यों उठाया?
शिकारी बहुत डर गया और उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, मैं तो बस राजा का हुक्म मान रहा था। राजा का हुक्म? हाँ, उस डरावनी आवाज ने कहा। तो अब इस बात की सजा राजा को ही मिलेगी। फिर से बिजली चमकी, बादल गड़गड़ाए और शिकारी ने देखा कि राजा वहीं बगीचे में खड़ा था। डरावनी आवाज ने राजा से कहा, तुमने इस शिकारी के साथ बुरा बर्ताव किया, तो अब तुम यहीं खड़े रहकर मेरी सब्जियों पर पहरा दोगे और उन्हें बंदरों से बचाओगे। और तुम्हें शिकारी अच्छे होने के लिए मैं इनाम के तौर पर तुम्हें बना रहा हूँ एक ईगल, ताकि तुम अपनी प्यारी चिड़िया के पास जा सको। हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना और कभी किसी से मत जलना। मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ, किसी और के पाई के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए, बस अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ अपना पाई बांटना चाहिए। अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, वो भी अच्छी तरह से। मुझे भी शेयर करना अच्छा लगता है। हाँ सच में, मुझे पता है शेयर करना अच्छा है, पर हम मेरी बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। एक गांव में एक किसान रहा करता था। The tops and the roots. और पास ही में एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे और एक बैर भी। एक दिन बैर ने किसान को अपनी घोड़ा गाड़ी में खेत की ओर जाते देखा और वहां पहुंचने के बाद वो गाड़ी से उतरा और उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। बैर जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने किसान के पास आकर उससे पूछा, जरा सुनो किसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बैर, मैं खेत को जोत रहा हूँ, फिर बीज बोऊंगा, फिर फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत का फल खाऊंगा। बैर बहुत ही खुश हुआ कि खाने के लिए कुछ तो होगा। फिर उसने किसान से एक रिक्वेस्ट की, सुनो किसान, प्लीज दया करना और मुझे अपनी फसल में से थोड़ा हिस्सा देना। किसान सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, फसल तैयार होते ही मैं उसमें से तुम्हें थोड़ा हिस्सा दूंगा। तो तुम क्या लोगे बैर, ऊपर वाले पत्ते या फिर नीचे की जड़ें? मैं भला बेकार जड़ें क्यों खाना चाहूँगा? इव, ये तो बहुत ही गंदी होती हैं। इसलिए बैर ने किसान से कहा, मैं तो ऊपर वाले पत्ते ही लूँगा। ठीक है, किसान ने कहा, तो ये तय रहा, मैं तुम्हें ऊपर वाले पत्ते दूंगा, पर तुम्हें अपने हिस्से को कमाना होगा। तो ये रहा हल, चलो चलकर खेत में काम करें। बैर को इसकी उम्मीद ही नहीं थी, उसे लगा नहीं था उसे घोड़े की तरह खेत जोतने के लिए कहा जाएगा। पर बैर के पास कोई चारा नहीं था, वो हल खींचता रहा खींचता रहा और किसान पीछे से उसे काम करने के ऑर्डर्स देता रहा। चलो मेरे प्यारे घोड़े और तेज चलो। खैर, तो उन्होंने खेत को जोता, फिर बीज बोए और फिर बूम, वहाँ ढेर सारी शलगम उग गई। बैर ने शलगम को इकट्ठा किया और उन्हें किसान के घर तक ले गया, उन्हें एक तरफ डाल दिया। बेचारा बैर थकान के मारे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर किसान बाहर आया और उसने फसल को बांटना शुरू किया। उसने सारी शलगम अपने पास रख ली और बैर से कहा, ये है मेरी जड़ें। और फिर उसने बैर को सारे ऊपर के पत्ते दिए जो बिल्कुल टेस्टी नहीं होते और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, अब मजे करो बैर। बैर ने पत्तों को चखा और कहा, इयू, कितना गंदा टेस्ट है, ये पत्ते तो खाने लायक है ही नहीं, तुमने इन्हें मुझे क्यों दिया? किसान ने बैर से ताचुब होने का नाटक करते हुए कहा, तुमने ही तो ऊपर के पत्ते मांगे थे ना। बेचारे बैर की तो बोलती ही बंद हो गई, वो बस बिना कुछ कहे वहीं पर खड़ा रहा और सुनाई दे रही थी उसके भूखे पेट की आवाजें। बेचारा बैर बहुत ही ज्यादा भूखा था। तो उसने जाकर किसान से पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ी शलगम दोगे प्लीज? ठीक है, किसान ने बैर से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी शलगम दूंगा, पर पहले तुम्हें 10 गुलाब के पौधे लगाने होंगे, 3 बोरी बीन साफ करनी होंगी, गंदे बर्तन धोने होंगे, पूरा घर साफ करना होगा, कपड़े धोने होंगे और क्या? अरे हाँ, जब मैं सो जाऊंगा तब तुम्हें मेरे पास इसके साथ खड़े रहना होगा मक्खियों को दूर रखने के लिए, और अगर मक्खियों ने मेरी नींद तोड़ दी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें कोई शलगम नहीं मिलेगी। बेचारे बैर ने गहरी सांस ली, एक एप्रन पहना और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। किसान उसे बीच बीच में डांट रहा था, क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं है बुद्धू बैर, तुम इतना शोर मचाओगे तो मैं कैसे सोऊंगा, आराम से काम करो। आखिरकार किसान को नींद आ गई, वो जरूर सारी शलगम अकेले ही खाने का सपना देख रहा था।
और बेचारा बैर उसके पास खड़े होकर मक्खियों को भगाने के लिए अपने पंजे हिलाए जा रहा था। पर एक बहुत ही मोटी और हरी मक्खी जाकर किसान की नाक पर बैठ गई और उस पर जैसे सैर करने लगी। किसान ने अपनी नाक ऐसे हिलाई जैसे उसे छींक आने वाली हो। ये देखकर बैर डर गया। ओ नो, अब ये जाग जाएगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खी को मारा। बैर मारना तो चाहता था मक्खी को, पर उसकी मार का शिकार बनी किसान की नाक। किसान दर्द के मारे उठा और अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाया, मेरी नाक! अब बैर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाहर की ओर भागा, शलगम से भरी बोरियों से टकराया, फिर उसने वो बोरियां उठाई और उनके साथ जंगल में चला गया। किसान के हाथ कुछ भी नहीं लगा उसकी नाक के अलावा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्वार्थ और लालच करते हैं उनके हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। तो शेयर करो, खुश रहो। सुनो, अभी मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में मस्ती मत करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जैसे सात छोटे गोट के बच्चों पर आई थी। चलो उनकी डरावनी कहानी सुनाती हूँ। The Wolf and the Seven Young Kids। एक वक्त की बात है, एक बड़ा बुरा वुल्फ सात छोटे गोट के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और वो वुल्फ किसी की बात नहीं मानता था। इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन उन बच्चों की माँ दुकान पर गई थोड़ा दूध लाने। नहीं, दूध लाने नहीं, जो भी हो उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाना था, शायद गोभी लाने। दुकान पर जाने से पहले गोट ने अपने सात छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है। तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे। छोटे बच्चों मेरी बात सुनो प्यारो, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर लो। नहीं, नहीं, वो गलत था, ये है सही वाला गाना। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। वो गोभी लाने जाने वाली है, तुम्हें गाने में गोभी की बात करनी चाहिए। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। लेकिन बड़ा बुरा वुल्फ दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बड़ा बुरा वुल्फ बहुत बदमाश था, किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही मम्मा गोट वहाँ से गई, बड़ा बुरा वुल्फ वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। उसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ने उसका भांडा फोड़ दिया। और फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और बड़े बुरे वुल्फ से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पर बड़ा बुरा वुल्फ उन सात छोटे बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया और उसने उसे अपनी आवाज को पतली बनाने के लिए कहा, एक गोट जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और फिर उसी हथौड़े से उसने बड़े बुरे वुल्फ के लिए बहुत ही पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे वुल्फ की आवाज हो गई थी एक गोट जैसी। तो उसने फिर से सात छोटे बच्चों वाले घर पर जाकर गाना शुरू कर दिया। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। छह नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी आ गई, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ सातवां छोटा, जो उनमें से सबसे छोटा था, उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जाकर अवन में छिप गया। बड़ा बुरा वुल्फ घर में घुस आया और फिर वो सभी छह छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और उसे उन्हें निगलने में तकलीफ भी नहीं हुई। और सारा वक्त
उसकी नजरें उस सातवें छोटे बच्चे को ढूंढती रहीं, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे अवन में किसी के चीखने की आवाज आई। हाँ, उसने कहा, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो, अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बुरे वुल्फ की आवाज बहुत ही ऊंची और बड़ी ही डरावनी थी, और वो गुस्से से कांप रहा था अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए, पर वो फिर भी छोटे बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए बड़े बुरे वुल्फ ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर उस अवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा, पर अवन से धूल निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से एक अजीब सी आवाज आई। फिर बड़ा बुरा वुल्फ घर के बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी, वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। बड़ा बुरा वुल्फ फूंक मारता रहा, पर अवन में एक दरार भी नहीं आई। लग रहा था जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटे मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया, वो अवन बना था ईंटों का। फिर बड़े बुरे वुल्फ ने सोचा, मैं उस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा उस चिमनी से, और उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं था, वो दो बार नीचे गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और वो पूरी तरह थक गया, पर वो किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर तो पहुंच गया, पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट छह छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना और बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर वापस यहाँ आकर इन सबको फिर से निकल जाऊंगा। बड़ा बुरा वुल्फ धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। वो अंदर की राख से गंदा हो गया। फिर उसे नीचे से किसी के माचिस जलाने की आवाज आई, और वो थी मम्मा गोट, जो घर लौट आई थी और गोभी पकाने के लिए अवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा वुल्फ चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चे को छत से नीचे उतारने का, और सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे अवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर मम्मा गोट ने आग जलाई और उससे बड़े बुरे वुल्फ की पूंछ जलने लगी, और वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। वो जैसे तैसे चिमनी से बाहर आया और अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जंगल में भाग गया। मम्मा गोट चौंक पड़ी, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो बड़ा बुरा वुल्फ उनके अवन में क्या कर रहा था। फिर सातों छोटे बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बताई। तो ये थी उनके साथ हुए हादसे की कहानी। उप्स, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, अब मैं चलती हूँ। तो अगर तुम्हें फिर से गोभी खानी हो तो खतरनाक अजनबियों के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। जब रहती हूँ तुम्हारे साथ, वक्त नहीं होता है बर्बाद। अब सुनो, मुझे है ये बताना, चाहती हूँ तुम्हें कहानी सुनाना। चलो सात समंदर पार चले, पहाड़ियों और पेड़ों के परे। वहाँ पर रहता है एक किसान, बड़ा ही नेक और प्यारा इंसान। नहीं थे उनके पास ज्यादा पैसे, फिर भी वो सब खुशी से रहते थे। वो एक पिता कमाल, रखते थे अपने तीनों बेटों का ख्याल। बड़े बेटे थे बड़े बलवान, थे वो दोनों के दोनों पिता की शान। पर छोटा था बड़ा ही नादान, करता था सबको परेशान। गाता रहता दिन भर गाना, नहीं था उसे कहीं जाना। उसे और कुछ नहीं आता, वो बस हंसता जाता। वो सभी मजे से रहते और दिन बस निकलते जाते। नहीं होगा अब कुछ भी बुरा, किसान को लगा। पर आफत आई जिसने उसे दिया जगा। थे वो फॉक्स या फिर फेरेट्स, जो रात में चुरा ले गए सारे कैरेट्स। उन शैतान चोरों को हमें होगा पकड़ना, क्योंकि उन्हें है एक सबक सिखाना। उन चोरों को किसी तरह था फंसाना, उन्होंने शुरू किया प्लान बनाना। छोटा बेटा देगा रात में पहरा, उसके लिए था ये एक मौका सुनहरा। छोटा बेटा चल पड़ा बाहर की ओर, बाहर जाकर वो मचाने लगा शोर। फिर तोड़ा उसने एक डंडा बड़ा, ऐसा करते हुए वो बस हंस पड़ा। इसके बाद उसने शुरू कर दिया अंधेरे में बगीचे पर पहरा देना। हमारा योद्धा था बहादुर और निडर, डर की नहीं थी उसे खबर। पिता के बगीचे को था बचाना, नहीं चलेगा अब कोई भी बहाना। फिर बादल गरजे बिजली चमकी, जैसे दी हो मौसम ने धमकी। फिर आया सामने वो बड़ा शैतान, था वो राइनो क्रॉक नाम का हैवान। चमक रही थी उसकी गोल गोल आंखें, ले रहा था जोरों से सांसें। फिर उतरा वो नीचे जमीन पर, खाने कैरेट्स, वो भी पेट भर कर।
तभी छोटा बेटा आ गया उसके सामने। सोचा अब उसे लगाता हूँ ठिकाने। उसकी आंखों में जल रही थी गुस्से की आग। अब वो शैतान जाएगा डर कर भाग। नहीं है ये कोई मजाक, इतना जान लो तुम। डरो मेरे भाले से, ये तुम्हें कर देगा गुम। देखो अभी वक्त है, इरादा मेरा सख्त है। अब सजा दूंगा तुम्हें कड़ी, तुमने कर दी है गलती बड़ी। उगाए हैं हमने ये गाजर मेहनत से, नहीं लेने दूंगा इन्हें कसम से। राइनो क्रॉफ को ये सुनकर आ गई हंसी, पैर पट के जमीन पर धरती हिली। छोटे बेटे ने हार नहीं मानी, सबक सिखाने की उसने थी ठानी। उठाया उसने अपना भाला, लगाई छलांग और राइनो क्रॉफ को ढेर कर डाला। राइनो क्रॉफ को लगा जोर का झटका, ओ ओ ओ, एक लड़के ने उसे था जोर से पटका। ओ ओ ओ, प्लीज मत तोड़ो मेरा सिर, मत करो मुझ पर सितम, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा तो कर दो रहम। कांप रहा था डर से बेचारा, जैसे था वो किस्मत का मारा। अब लड़ते रहना था बेकार, लड़का नहीं मानने वाला था हार। मैं हार गया, मैं हार गया, तुम हो चैंपियन, मैं ये मान गया। अब अपना भाला रख दो नीचे, हार मानकर मैं हट रहा हूँ पीछे। और अगर मेरे बच्चों में से कोई आया तुम्हारे खाने की कीमत चुकाने, कहना उसे तुम भूल चुके हो अब गलती जो की थी उसके पिता ने। फिर क्या था यारा, राइनो क्रॉफ हो गया 9-2-11। फिर जो होना था वही हुआ, सामने एक अजीब सा जानवर था खड़ा। था वो बड़ा ही छोटा सा, जैसे घोड़े का छोटा बच्चा। उसके कान थे डोंकी जैसे, लग रहा था मन से कच्चा। फिर उसने कही अपनी बात, अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ, कर सकता हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे, नहीं रहेंगे अब तुम्हारे ख्वाब अधूरे। लड़के को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पूरी होने वाली थी अब उसकी दुआ। सपना है मेरा मैं शादी करूँ, एक खूबसूरत लड़की का पति बनूँ। सुनकर लड़के का ये सपना, सोच में पड़ गया घोड़ा अपना। फिर करके ऊँची अपनी आवाज, उसने खोला एक अजीब सा राज। हाँ है एक लड़की मेरी नज़र में, बस तुमसे है बड़ी वो हाइट में। उसे देखे बिना कोई फैसला मत करो, बस एक बार उसे देख तो लो। आ गई सामने एक सुंदर लड़की, थी वो हाइट में काफी बड़ी। जोरों से हंसने लगी वो देखकर उस बेचारे लड़के को। फिर उसने कहा करके अपनी नाक टेढ़ी, नहीं लड़के नहीं, तुम नहीं हो पसंद मेरी। लड़की ने कहा ये सब दिखाकर रुबाब, लड़का आगे बढ़ा देने अपना जवाब। कहता हूँ मैं तुम्हारे कान पकड़, नहीं चाहिए ऐसी लड़की जिसमें हो इतनी अकड़। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे जादू की, मैंने खुद ढूंढ लिया है अपना साथी। यही बनेगी अब मेरी दुल्हन, और हमेशा साथ खुश रहेंगे हम, होंगे हमारे बच्चे साथ, कभी नहीं होगी कोई दुख की बात। ये थी कहानी प्यारे दोस्तों, बस ऐसे ही हंसते रहो। यही तो मैं चाहती हूँ कहना, मेरी कहानियाँ सुनते रहना, देती है सीख हर एक कहानी, मान लो तुम, मैंने तो है मानी। मानो ना मानो छोड़ती हूँ तुम पर, बस मांगना मत किसी घोड़े से अपने लिए दो पल खुशी के। तुम्हारी खुशी है तुम्हारे हाथों में, ना ढूंढो उसे गैरों की बातों में। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब अभी हो जाओ शुरू।